मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत अमीर होता है। उसका नाम नेरो होता है। नेरो एक लड़की से दूसरी लड़की को मारने को कहता है। नेरो उस लड़की से कहता है कि उसका दिल निकालकर उसे देने को। वो लड़की बहुत डरी हुई होती है। वो दूसरी लड़की का दिल निकालकर नेरो को दे देती है। नेरो का आदमी उसे पैसों से भरा बैग देता है और उसे घर से जाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ नेरो मोबाइल में कुछ लोगों का फोटो देखता है और उन लोगों को लाइव शो जिसका नाम फन हाउस होता है उसमें आने का इन्विटेशन देता है। वहीं हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम कैस्पर होता है। वो फन हाउस में होता है। हमें दिखाया जाता है कि कैस्पर फन हाउस में कैसे आता है। कैस्पर एक सेलिब्रिटी था। वो टीवी शो और गानों में आया करता था। उस वक्त उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था। तभी कैस्पर को फन हाउस का एग्रीमेंट मिलता है। जो भी फन हाउस में जीतेगा उसे $5 मिलियन मिलेंगे। ये देखकर कैस्पर का मैनेजर उस एग्रीमेंट पर साइन कर लेता है। अगले दिन कैस्पर को किडनैप करके फन हाउस लाया गया ताकि कैस्पर को फन हाउस का पता ना मिल सके। वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी को भी किडनैप करके लाया गया था। फन हाउस में टोटल 8 लोग थे। पहले सब लोगों को वहां अच्छा लगता है। सब एक दूसरे से मिलते हैं। फिर कुछ देर बाद उन लोगों से उनका मोबाइल भी ले लिया जाता है। लाइव शो स्टार्ट होता है। ये लाइव शो सारे पब्लिक लाइव देख रहे होते हैं। पब्लिक को सब अपना इंट्रो देते हैं। फिर नेरो एक पांडा के रूप में आता है। वो पांडा कहता है कि फन हाउस में हर जगह कैमरा लगा हुआ है, यहाँ तक कि बाथरूम में भी कैमरा लगा हुआ है। तुम्हें लोग लाइव देखेंगे और तुम्हें वोटिंग करेंगे। जिसका वोट सबसे ज्यादा होगा वो शो जीत जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नेरो के आदमी हर जगह होते हैं ये देखने के लिए कि कोई वहां से भाग ना जाए। ऐसे ही वो लोग मस्ती करते हुए 3 दिन गुजार लेते हैं। पब्लिक उन्हें देखकर वोट करती है। वहीं दूसरी तरफ नेरो स्क्रीन पर आता है और बताता है कि आज जिसको सबसे कम वोट आए होंगे वो आज इस शो से निकल जाएगा। अब असली गेम शुरू होता है। वोटिंग देखी जाती है और उला नाम की लड़की को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। वो दिखने में भी सबसे अच्छी थी और वो कुछ अजीब हरकत भी कर रही थी वोट पाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सबको एक एक करके बताया जाता है कि किसको कितना वोट मिला है। लास्ट के 2 सबसे कम वोट लॉनी नाम की एक लड़की और नेविन नाम का एक लड़के को मिला था। नेविन को इस गेम से निकालना था और लॉनी को एक रूम में ले जाया जाता है जहां पर उसके आंख पर पट्टी लगी जाती है। उसके हाथ में एक कील लगा हुआ बेसबॉल का बैट दिया जाता है और कहा जाता है कि इस रूम में एक पांडा लटका हुआ है जिसे तुम्हें मारना होगा। वहीं दूसरी तरफ बहुत जोर से म्यूजिक बजाया जाता है। तभी उस पांडा की जगह पर नेविन को लटकाया जाता है। उसका मुंह बंद रहता है ताकि वो चिल्ला ना सके। और म्यूजिक भी इसी वजह से बजाया गया था कि लॉनी उसकी आवाज ना सुन सके। वहीं दूसरी तरफ ये सब सारे कंटेस्टेंट और पब्लिक लोग भी देख रहे थे। ये सब देखकर सारे लोग बहुत डर जाते हैं। वहीं लॉनी बहुत बुरी तरह से नेविन को मार देती है। नेविन की मौत हो जाती है। ये देखकर लॉनी बहुत रोने लगती है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। वो लोग फन हाउस से भाग भी नहीं सकते क्योंकि ये एक बेसमेंट में था और जंगल के बीचों बीच में था। लाइव शो भी एक ऐसे वेबसाइट से किया जा रहा था जिसे कोई हैक नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि पुलिस भी उन तक नहीं पहुँच सकते थे। वहीं दूसरी तरफ नेरो सबसे कहता है कि तुम लोग यहाँ फंस गए हो, यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो तुम लोगों को भी बहुत बुरी तरह से मार दिया जाएगा। वहीं सारे लोग बहुत घबराए हुए होते हैं। उनमें से एक डेक्स नाम का लड़का होता है जिसे लगता है कि खिड़की के बाहर आसमान दिख रहा है। वो सबको कहता है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं। डेक्स शीशे को तोड़ देता है। वहां आसमान नहीं होता है, वो सिर्फ वैसा बनाया गया था। तभी नेरो स्क्रीन पर आता है और कहता है कि तुम लोगों को बताया गया था कि यहां से भागने की कोशिश नहीं करना वरना तुम लोगों का अभी नेविन जैसा हाल हो जाएगा। तभी नेरो अपने आदमी से कहता है कि डेक्स को पकड़ ले और वो लोग डेक्स को उसी रूम में ले जाते हैं जहां नेविन को मारा गया था। डेक्स के हाथों को बांध दिया जाता है और उसे एक बॉक्स में डाला जाता है जहां नेरो के आदमी उस बॉक्स में एसिड डालते हैं जिसकी वजह से डेक्स की आधी बॉडी जल जाती है और डेक्स की मौत हो जाती है। ये सब देखकर सारे लोग बहुत डर जाते हैं। ये शो की बात हर जगह होने लगती है क्योंकि इस शो में सबको लाइव मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेरो स्क्रीन पर आता है और सबको कहता है कि तुम लोग यहां से भाग नहीं सकते हो, तुम लोगों को अगर बचना है तो लोगों से वोट मांगना होगा। नेरो की बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। तभी उला और जिमेना में लड़ाई होने लगती है। जिमेना उला से कहती है कि तुम सिर्फ अपना बदन ही दिखाकर वोट मांग सकती हो, तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। वहीं टीवी पर कैस्पर की एक्स वाइफ आती है और अपने हस्बैंड के लिए वोट मांगती है। वो भी बहुत फेमस होती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि फन हाउस में जितने भी लोग बचे थे वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जितना भी वक्त बचा है हम उसे एंजॉय करेंगे, बिताएंगे, क्योंकि हम सभी के पास वक्त बहुत कम है।
तभी नेरो फिर से स्क्रीन पर आता है और सबको वोट दिखाता है जहां पर उला और जिमेना को सबसे कम वोट मिले थे। उन दोनों को उसी रूम में ले जाया जाता है जहां डेक्स और लॉनी को ले जाया गया था। उन दोनों के हाथ में एक कुल्हाड़ी दी जाती है और रूम का लाइट ऑफ किया जाता है। वो दोनों खुद को बचाने लगते हैं, तभी उला जिमेना के सर पर वार करती है जिसकी वजह से जिमेना की मौत हो जाती है। सभी लोग अपनी तरह से पब्लिक से वोट मांगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उला अपने सारे कपड़े उतार देती है वोट पाने के लिए। उला का बॉयफ्रेंड शराब पीकर जमीन में गिरा होता है, तभी वहां कैस्पर आता है और उला के बॉयफ्रेंड पर ब्लैंकेट डालता है और उला को उसके रूम में ले जाता है। उला कैस्पर को इंटीमेट होने को कहती है ताकि हमें ज्यादा वोट मिले। कैस्पर मना करता है और ये सब उला का बॉयफ्रेंड देख लेता है। उला के बॉयफ्रेंड और कैस्पर में लड़ाई होने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैस्पर को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और उला को सबसे कम वोट मिले हैं। उला को फिर उसी रूम में ले जाया जाता है और उसे एक पिक्स मैचिंग का टास्क दिया जाता है। उला से वो टास्क नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी तरफ उला को एक व्हील दिया जाता है जहां लिखा हुआ होता है कि उला को किस तरह से मारना है। उला उस व्हील को स्पिन करती है और उसे मारने का तरीका मिल जाता है। उला के हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया जाता है और उसे खींचा जाता है, जिसकी वजह से उला का बॉडी पार्ट अलग हो जाता है और उला की मौत हो जाती है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लोग बचे थे उनको उनकी फैमिली की फोटो दिखाई जाती है। उनमें से सबके कोई ना कोई फैमिली होते हैं। किसी के बच्चे होते हैं, किसी के माता पिता होते हैं। एक कैस्पर की ही फैमिली नहीं होती है, उसकी बस एक एक्स वाइफ होती है। उसके माता पिता बचपन में ही कार एक्सीडेंट में मर गए थे। ये देखकर पब्लिक कैस्पर को सबसे ज्यादा वोट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे कम वोट जेम्स को मिलता है, जो कि एक बॉक्सर होता है। उसे चार बॉक्सर की फोटो दिखाई जाती है, जो पब्लिक लोग उन चारों में से किसी एक बॉक्सर को सिलेक्ट करते हैं जेम्स के लिए। जेम्स ये टास्क जीत जाता है, पर नेरो फिर से चीटिंग करता है और उन तीनों बॉक्सर को भी उसी रूम में भेज देता है। वो लोग मिलकर जेम्स को भी मार देते हैं। अब बस फन हाउस में तीन लोग बचे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैस्पर और लॉनी इंटीमेट हो जाते हैं वोट के लिए। दूसरे सीन में हमें वोटिंग दिखाई जाती है, जहां सबसे कम वोट कैट को मिलता है। कैट एक चेस की प्लेयर होती है। नेरो उसे चेस का टास्क देता है जिसमें वो हार जाती है। उसे भी उला की तरह व्हील दिया जाता है। वो व्हील को स्पिन करती है जिसमें लिखा होता है पास, जिसका मतलब था कि कैट के बाद जिसका कम वोट आया होगा उसे मरना होगा। वो लड़की लॉनी होती है। कैट बच जाती है। लॉनी को मारने के लिए कैस्पर को लाया जाता है। उन दोनों को एक गन दिया जाता है। जो पहले गन चलाएगा वो बच जाएगा। वो दोनों परेशान होकर खुद को मार लेते हैं और कैट अकेली बच जाती है। नेरो कैट को विनिंग प्राइज देकर छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कैट से सवाल करती है फन हाउस के बारे में। कैट पुलिस को कुछ नहीं बता पाती क्योंकि उसने खुद ही कुछ जाना नहीं था। कुछ दिन बाद पुलिस कैट को छोड़ देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पब्लिक को नहीं पता होता है कि फन हाउस को कौन चला रहा था। नेरो का इमेज बहुत क्लीन होता है। वो एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देता है। वहीं दूसरी तरफ कैट नेरो की वाइफ होती है। वो नेरो से मिलने उसके घर जाती है। कैट को बचाने का प्लान नेरो का होता है ताकि विनिंग प्राइज कहीं और नहीं जाए। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।